आइए देखिए, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, 1 है, 11 है, 111 है, 1111 है, लाइक दिस। मैं इस तरह के नंबर ले रहा हूँ, या मैं आपसे कहूँ कि नहीं, मैं नंबर ले रहा हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, ये मैं ले रहा हूँ। या मैं आपसे कहूँ बेटे 1, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। या मैं आपसे कहूँ 2, 4, 6, 8, 10, आपसे कहूँ 20, 15, 10, 5, 0, -5, लाइक दिस। या मैं आपसे कहूँ, एक नंबर और ले लेता हूँ, 3, 3, 3, 3, 3। तो यहाँ आप क्या पढ़ेंगे, हम प्रोग्रेशन भी बोलते हैं समटाइम, और हम सीक्वेंस भी बोलते हैं। अगर हमारे पास नंबर्स जो है ना बेटे, नंबर्स किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, कैसा ऑर्डर, जिसको आप पहचान के आगे के नंबर्स बता सको। इवन मैं एक नंबर एक और ले लूं इसमें, सपोज करो 3, 6, 9, ठीक है, 12, या नहीं 3, 6, 9, 12 नहीं, 3, 6, 12, 24, 48, लाइक दिस। तो अगर आपके पास नंबर ऐसे हो कि वो पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, पर्टिकुलर एक फैशन में हो, तो उन नंबर को हम ये कहते हैं कि वो सीक्वेंस में है। जैसा कभी कभी हम ऐसे ही एक टर्म यूज कर लेते हैं, भाई सीक्वेंस में लगाओ, सीक्वेंस में आ जाओ, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ जाओ। तो उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि आप नेक्स्ट टर्म को बता सकते हो। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट वाला सीक्वेंस है, क्या आप इसमें नेक्स्ट टर्म बता सकते हो? 1 है, 11 है, 111 है, 1001 है, 5 times 1 सीधी सी बात है, बस 1 ही आपका, 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, तो 5 time फाइव आ टाइम जाए। अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं? प्राइम फाइव नंबर्स। तो 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? तो 23 23 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं 3, 6, 12, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 48 के बाद सीधा सीधा सा 96 यस, 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो इन सब में आप देख सकते हो कि ये सीक्वेंस हैं, इनमें एक प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेशन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास होता क्या है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास नंबर्स होते हैं इन प्रोग्रेशन में, सीक्वेंस में, तो उनको हम बोलते हैं टर्म्स, कि दीज आर टर्म्स। और टर्म्स को हम एज पर पोजिशन बोलते हैं, कि भाई अगर हमारे पास ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये फर्स्ट टर्म है, अगर ये सेकंड पोजीशन पे है तो इसको सेकंड टर्म बोलेंगे, सिंपल। ये थर्ड पे है तो थर्ड टर्म बोलेंगे, ये अगर सिक्स्थ पे है तो सिक्स्थ टर्म बोलेंगे। इवन अगर कोई आगे 20th पोजीशन पे आएगा तो उसे 20th टर्म बोलेंगे। तो एज पर पोजीशन हम टर्म्स को बोलेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं, अच्छा फिर दूसरा, हम इनकी पोजीशन, इनको जो डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं A1, A2, A3, A4, A6, A20 एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ कंडीशन ये है कि इफ A2 माइनस A1 इज सेम एज इज A3 माइनस A2 इज सेम एज A4 माइनस A3, या डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट, इज फिक्स, देन दीज टर्म्स आर कॉल्ड इन AP एंड दिस प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमसे कहते हैं,
ये डेफिनेशन है एपी की, जहां पे भी आपको डिफरेंस सेम मिलेगा। ध्यान से देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म मस्ट बी सेम। तो अगर हम यहाँ देखें, टू और फोर के बीच में, फोर और सिक्स के बीच में, सिक्स और एट के बीच में, यहाँ टू का गैप है, तो हमारे पास ये एपी है, ये वाला हमारा एपी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तब भी, अगर हम नेक्स्ट वाला देखें, 20 माइनस 15 फाइव, 15 माइनस 10 फाइव, तो यहाँ पे भी फाइव का गैप है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये भी एपी है। अगर हम लास्ट वाला देखें तो यहां पे भी गैप सेम है, लेकिन यहां गैप जीरो का है, तो ये भी एपी है। तो एपी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि डिफरेंस मस्ट बी सेम। तो ये सारे के सारे एपी है, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर आपने मैथ्स लिया, जैसा ये हमने बनाया था जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, 6, 12, 24, इसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये बात की चीज है। इवन एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, एपी। तो एपी क्या है बेटे, हम सिंपल सी एक एपी ले लेते हैं, ये है 3, ये 5, ये 7, 9, 11, 13। तो हम पहली बात तो क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास टर्म है A1, ये हमारे पास है A2, ये हमारे पास है A3। तो अगर हम यहाँ फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, और डिफरेंस भी हमेशा जो निकालेंगे वो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड नहीं माइनस करना, सेकंड में से फर्स्ट। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 इज 2। हम चेक कर सकते हैं A3 माइनस A2, 7 माइनस 5 इज 2। हम चेक कर सकते हैं A6 माइनस A5, वो भी 2। तो हर जगह डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस आता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस इज कॉमन, तो कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को डी से प्रेजेंट करते हैं, और हम कोई सी भी टर्म ले सकते हैं। तो कोई सी भी टर्म का मतलब हम क्या देते हैं, ए एन, एन हमारी कोई भी पोजीशन होगी, लेकिन अगर हम उसमें से उससे प्रीवियस टर्म को माइनस कर दें तो उसे कह देते हैं ए एन माइनस वन। तो ये हम कह सकते हैं, या ए एन का मतलब था ए टू, तो ए टू में से उससे प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा, ए वन। तो एक तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, और जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ए वन, उसको हम स्मॉल ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल सिर्फ इतना सा है, और आपके पास मैंने आपसे कहा था कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ इसी पे बेस्ड है। अगर हमारे पास एपी होता है तो हम आगे की टर्म्स बता सकते हैं। तो आप खुद बच्चे देखिए जरा, जो एक्सरसाइज 5.1 थी वो सिर्फ इसी बेस, और सिर्फ दो फॉर्मूले हैं बेटे, 5.2 एक फॉर्मूला, 5.3 एक फॉर्मूला। तो टू फॉर्मूला बेस्ड ये आपकी चैप्टर है, छोटा सा बिल्कुल, जितना चैप्टर फोर में टाइम लगा उससे भी कम टाइम लगेगा। और इस बार तो इसमें से एप्लीकेशंस हटा दी हैं, 5.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम से हटा दिए गए। ये हमारे पास है बेटे, सब बच्चे ध्यान से देखिए, अगर हमें ए और डी पता होता है, एक्चुअली हो क्या रहा है वो भी समझ लीजिए। हमारे पास क्या है, ये अगर एपी है 3, 5, 7, 9, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 3, 3, और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 2 का आ रहा है, वेरी गुड, 5 माइनस 3 2। तो अगर आप सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटे, आप सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, तो जो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, भाई 3 में 2 ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, A2. 5 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड करो तो क्या आएगा, 7 में 2 ऐड करो तो क्या आएगा, 9 में 2 ऐड करो तो क्या आएगा, 11 2 ऐड करो तो क्या आएगा, 13। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास एक टर्म है उसमें D ऐड करते चले जाइए, नेक्स्ट टर्म आता चला जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हुआ है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, ये आपके पास
फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एप्लीकेशन है, इसके बाद करेंगे उसे। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज 5.1। सिंपल आपसे ऐसे ही पूछ रहा है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी आर गिवन। तो अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 10 और कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास 10 है, तो आप ऐसे ही बता दो फर्स्ट टर्म क्या हो गया भाई। फर्स्ट टर्म क्या हो गया यहाँ पे 10, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 20, 10 प्लस 10 20, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 30, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 40, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 50, बस डी ऐड करना है बेटे। अच्छा बताओ सेकंड वाले में क्या करोगे, ए दिया हुआ है -2 और डी दिया है 0, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे -2। अब इसमें क्या ऐड करोगे 0, तो 0 ऐड करने से कुछ होगा -2 आएगा, फिर क्या ऐड करोगे 0 -2 -2 -2 -2 -2। यस और नो? यस सर। शाबाश, चलो एक और देख लेते हैं। बस हमारे पास क्या कह रहा है कि हमें फिफ्थ वाले पार्ट में ए दिया हुआ है -1.25 और डी हमारे पास दिया हुआ है -0.25। प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, डी को ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया -1.25। अब -1.25 में बेटे अगर हम डी -0.25 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1-1.5। यही तो मैंने कहा था कि समझना है बेटे, -1.25 में हम प्लस करेंगे -0.25, लेकिन बेटे प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा ना, -1.5 कह लीजिए या 50 कह लीजिए, फिर -2.5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1.75। यस, फिर क्या हो जाएगा 2-2। आ गया समझ में? नहीं आया जी सर। यस सर। तो ये हमारे पास था पहला क्वेश्चन, सीधा सीधा था। दूसरा इससे भी इजी है, दूसरे में कुछ करना ही नहीं था। देखो सब बच्चे जी, आपने जो कनेक्ट किया हुआ है वो कौन सा कनेक्ट किया? अब तो मैं नीचे से किया हुआ नहीं, इसी में कौन सा किया हुआ? आप इसको दो है ना, हां 5 भी कनेक्ट कीजिए और हमेशा ये कनेक्ट कीजिए। नहीं तो चले तो ये चल नहीं रहा था, पता नहीं अभी आपकी आवाज नहीं आ रही जी। बेटे एक सेकंड बस। ओके अब देखो भाई, आवाज आवाज आई बेटे अब? जी सर एकदम बढ़िया बढ़िया आई है। चलो गुड, वो चेक कर लो बस आप सारा अपना नहीं मैं इसे चला लिया तो चल नहीं रहा था इसी से करूं पाइप से। नहीं अब तो बंद पड़ा है, उसी से चल रहा है। अच्छा तो अगर ये ना तो आप इनको अलग अलग, ठीक है। देखो बेटे ये इससे भी इजी क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान से देखो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। आपसे कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, लेकिन जब इस पे चल रहा है डिजिटल पे तो इस पे तो अगर एक दो चीजें एक साथ भी चलें तब भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ट्रैफिक की बात आती है, आप लॉगिन करो आप तो यूनिट में, लेकिन आपके पास जो 10 बच्चे हैं उनका भी ट्रैफिक आपके आ रहा है की तरफ आ रहा है ना। चलो मैं क्लास के बाद आपसे डिस्कस करूंगा, वो हॉट स्पॉट वाला डिस्कस करूंगा फिर आपसे क्या है ना जी। बेटे इसमें तो कुछ करना नहीं है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वाले में फर्स्ट टर्म क्या है कुछ करना ही नहीं, इसमें तो पहले ही बताया है भाई ये फर्स्ट टर्म है, और आपसे कह रहा है डिफरेंस बताओ -2 -2। यस डी -2 हो गया। सब बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। सेकंड वाले में फर्स्ट टर्म क्या है -5 और डिफरेंस बताओ, सोच के बताना 4। यही तो गड़बड़ है, -1 -4 -4। जल्दी 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 गिर जाते हो, -1 -4 -5। कहां सर -4 होगा? -4 होगा, +4 होगा, +4।
प्लस फोर होगा सर। प्लस फोर होगा भाई, सबको समझ में आ रहा है या ऐसे ही मजाक हो रही है? यस सर आ रहा है। ये तो कुछ था ही नहीं, तो छोटी छोटी सी चीजें समझ रहे हैं हम। आ गया समझ में? फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करेंगे। प्लीज ध्यान रखना नेक्स्ट में से प्रीवियस को। एक और देखो जी, उसमें भी कुछ नहीं करना है। हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है। कंपटीशन में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो बता दो। अलीगढ़ में जामिया में जो 11th एंट्रेंस होते हैं, डिप्लोमा एंट्रेंस होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज एपी और नॉट। फर्स्ट वाला बताओ सब बच्चे, जरा सब बच्चे सोच लो, बहुत छोटा छोटा सा चैप्टर है बेटे ये, टू फॉर्मूला ओनली। यहाँ तो फॉर्मूला भी नहीं हो रहा, फर्स्ट वाला नहीं है एपी। यहाँ तो सिर्फ आपको ये देखना है कि डिफरेंस है, पहले वाले में टू का डिफरेंस है और दूसरे वाले में फोर का डिफरेंस है, तो है या नहीं है? नहीं है सर। हाँ बेटे, टू फोर एट सिक्सटीन, तो पहले वाले में टू का गैप है, दूसरे में फोर, ये एपी नहीं है। अच्छा चलो नीचे थर्ड वाला देखो, माइनस 1.2 और माइनस 3.2, कितने का गैप है, कितने का गैप है? टू का, माइनस टू का। माइनस 3.2 में से बेटे आप माइनस करोगे माइनस 1.2, ध्यान रखना। नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले को माइनस करेंगे, फर्स्ट वाले में से सेकंड को नहीं, सेकंड वाले में से फर्स्ट को, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये होगा माइनस। तो माइनस 3.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटे? माइनस माइनस 2, है ना। अच्छा बताओ यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है क्या लास्ट वाले में? माइनस 5.2 माइनस ऑफ माइनस 3.2, यस कितना आ गया? माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो यहाँ भी कितना आ गया? माइनस 2। तो डिफरेंस हमारा, तो डिफरेंस हमारा क्या है? सेम है। तो ये एपी है या नहीं है? चलो अब जो दो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है? चलो शाबाश, बताओ ये वाला टर्म एपी में है या नहीं है, ये वाला टर्म बताओ ये एपी है या नहीं। बताइए, हाँ भाई ये एपी है। सब खामोश हो गए, इससे डर लग कर, तो है। कर तो ऐसे रहे हो जैसे पता नहीं क्या कैलकुलेशन करनी है। ये तो शक्ल देख के बताना था, ये तो शक्ल देख के बनाना था। असल में देखो सब बच्चे कितना डरते हैं, मैं अभी एक कुछ और लिखूंगा तो सब कुछ और सोचेंगे, यार अभी ये लिखा हुआ है तो कुछ और सोच रहे। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ ये लिख दूं, सब बच्चे देखो, अगर मैं यहाँ ये लिख दूं 3 plus x 3 plus x 3 plus 2x 3 plus 3x, अब बताओ ये सेम नंबर ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ भाई सर। अरे जो खामोश थे जिन्हें डर लग रहा था वो तो बोलो। मैंने कहा पहले 3 है, फिर उसमें x ऐड कर दिया तो 3 plus x हो गया, फिर एक और x ऐड कर दिया तो 3 plus 2x हो गया, फिर एक और x ऐड कर दिया, तो हर बार एक ही चीज ऐड हो रही है। अगर हर बार एक ही चीज ऐड होती है तो डिफरेंस सेम हो गया, तो इसका मतलब ये एपी है। यस सर एपी है। तो ऊपर अगर आप चेक करो, रूट टू को देख के डर लग रहा है, एक्स को देख के डर नहीं लग रहा है, तो रूट टू हर बार ऐड हो रहा है। 3 प्लस रूट टू, फिर ऐड करेंगे तो 2 रूट टू हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो 3 रूट टू, तो कुछ करना थोड़ा ही था इसमें। हाँ जी आ गया, नहीं आया समझ में? आ गया समझ में। यस सर। यस सर। अब बताओ एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है? आपसे पूछा गया था उसमें कि कौन सा एपी में नहीं है, ये वाला क्वेश्चन था। उसमें चार ऑप्शन दे दिए गए थे और यहाँ भी आपके पास फॉर्म हो सकता है इस तरह के, फोर आपको सीक्वेंस देते और आपसे पूछ ले विच वन इज नॉट इन एपी, तो बताओ ये एपी है या नहीं। सब बच्चे जरा सोच के बताना, ये एपी है या नहीं? नो सर।
नो सर वेरी गुड नो सर वेरी गुड और बच्चे नो सर वेरी गुड और कोई होगा सर होगा सर एक बच्चा बोल रहा है होगा सर और कोई नो सर नो सर और कोई सर एपी है या नहीं होगा मर्जिया जी बताइए मर्जिया नोमान नोमान की आवाज नहीं आती नोमान बताओ बेटे एपी है या नहीं है नोमान प्रियांशु एपी है ये खामोश हो जाते हैं सब डरते पता नहीं क्यों हैं अरे बोलो गलत होगा देखी जाएगी क्यों टेंशन ले रहे हो सर होगा होगा शाबाश गलत ही तो होगा ज्यादा सोचते क्यों इतना शादान बताओ एपी है या नहीं देखो इन्वॉल्व रहोगे तो मजा आएगा आपको भी लगेगा मैं खुद पढ़ रहा हूँ वरना तो बस ऐसा होगा कि सर ने सुनाया और हम सुन के चुप हो गए हाँ भाई अब्दुल रहमान बताओ बेटे है ये नो सर नहीं है शाबाश अब आओ जरा देखो देखो अंडर रूट टू तो अंडर रूट टू ही होगा है भाई अब थोड़ा सा जादू करते हैं एट को हम लिख सकते हैं फोर टू जा एट और 18 को हम लिख सकते हैं 9 टू जा 18 और 32 को हम लिख सकते हैं 16 टू जा 32 चलो यहाँ तक भी बात सही है रूट टू तो रूट टू ही रहेगा लेकिन 4 इंटू टू को हम लिख सकते हैं 4 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 9 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 16 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा अब बताओ अगर कुछ शक्ल चेंज हो गई हो रूट टू टू रूट टू थ्री रूट टू फोर रूट टू और अगर अभी भी शक्ल चेंज ना हुई हो तो एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स अब बताओ एपी है या नहीं है सर है यस सर तो जो नहीं कह रहे थे वो बताओ अपने बारे में क्या राय है भाई सर हम गधे हैं नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा गधे नहीं है कहाँ ब्रेक लगाना है कहाँ सोचना है ये ध्यान रखना है ठीक है जी तो वो वाली बात है कि सामने जो है किसी ने पूछा था भाई जो गाड़ी ड्राइविंग सिखाते हैं कार ड्राइविंग स्कूल वाले के सामने जो है तुम्हारे पापा खड़े हैं और सामने जो है तुम्हारे शोहर खड़े हैं तो तुम किसे मारोगे किसी लेडी से पूछा था तो उसने कहा शोहर को मारूंगी फादर को तो मार नहीं सकती है भाई तो स्कूल ड्राइवर जो जो स्कूल में सिखा रहे थे उन्होंने कहा नहीं ब्रेक को मारना है किसको मारना है ब्रेक ना शोहर को मारना ना फादर को मारना तो सर जी आपको भी ब्रेक ही मारना स्पीड पे कंट्रोल होना चाहिए बेटे देखो आपको एक चीज बता रहा हूँ बहुत अच्छी वाली ध्यान रखना ये चीज डूबता वो है जो तैरना जानता है कौन डूबता है अगर कभी अगर अगर कभी आपको पता चले कि साहब वो पानी में डूब गए तो यकीन मानिए वो तैरना जानते थे इसलिए पानी में डूबे अदरवाइज जो तैरना नहीं जानते वो पानी से 1 किलोमीटर दूर खड़े होते हैं उन्हें वो डूबते नहीं है उन्हें डुबाया जाता है जबरदस्ती तो डुबाया जा सकता है पत्थर बांध के डाल दिया उन्हें पानी में बट वो खुद कभी नहीं डूबेंगे तो गलती हमेशा उस बच्चे से होगी जिसे क्वेश्चन आता है जिसे नहीं आता ना वो तो क्वेश्चन टच ही नहीं करेगा आधे से ज्यादा खामोश रहते हैं बच्चे हमारे हम जितना चाहे उन्हें फोर्स कर लें जितना चाहे मोटिवेट कर लें खामोश रहेंगे उन्हें गलती ही नहीं करनी लेकिन गलती नहीं करनी तो ट्राई भी नहीं करनी तो आपको बस वो गलती से बचना है वो मिस्टेक से बचना है कि मैं करूं तो लेकिन 100% सही करूं तो हमेशा ध्यान रखिए व्हेनेवर यू हैव इरेशनल नंबर्स तो कोशिश करो क्या हम उन इरेशनल नंबर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं ये जो सर्ड्स हैं क्या हम इनको मिक्स सर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं या नहीं तो जब तक ये अपने मिक्स फॉर्म में नहीं होंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होंगे तब तक आप उन्हें कैलकुलेट या कंपेयर नहीं करोगे कुछ समझ में आया हाँ जी बात समझ में आई देखो अब एक और बताओ देखो कितनी जल्दी से समझते हो अब देखो बताओ जरा मुझे कौन बच्चा समझता है ब्रेक कौन लगाता है बताओ सर ये एपी है या नहीं
आप बोलोगे नहीं? अरे बोलो, गलती बोलो सर, ये नहीं है। सर है, सर है, सर है, ऐसे सर। अच्छा मुझे बताओ, क्या आप इन इरेशनल नंबर्स को सिंपलीफाई कर सकते हो? सर नहीं है। सर रूट 9 तो 3 लिखाएगा। हाँ मान लिया, रूट 9 3 हो जाएगा, तो रूट 3 तो रूट 3 रहेगा ना। अच्छा इसको 2 रूट 3 लिख दे। रूट 6 को क्या लिखे हैं बताओ? रूट नहीं सर, वो तो 2 तो 3 आएगा। रूट 9 को 3 लिख दें, रूट 12 को 4 3 जा लिख दें। चलो ठीक है, तो मुझे बताओ रूट 6 माइनस रूट 3 कितना होगा, और 3 माइनस रूट 6 कितना होगा, और 2 रूट 3 माइनस 3 कितना होगा बताओ। और अगर जब बताओगे कितना होगा तो क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे? सर नहीं होंगे, और ना ये नहीं होंगे सर, नहीं। तो फिर हमने आपसे क्या कहा, जब आपको इरेशनल नंबर्स मिले तो आपको उनको सिंपलीफाई करना है, और सिंपलीफाई करते ही पता चल जाएगा। तो रूट 3 रूट 6 रूट 3 तो आपको नजर आ रहा है, इनमें गैप सेम है ही नहीं, बाकी तो बाद में होगा, पहले तो फर्स्ट 3 टर्म से ही पता चल जाता है बेटे कि अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर वो एपी भी नहीं है। यस और नो? जी सर। ठीक है, यस सर। तो ये हमारे पास है कि भाई कौन से एपी में है कौन से नहीं। अब जरा देखो, ये बेटे एक बार 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है 4 मार्क्स, बट ये 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, सिंपल यस और नो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, बट एक बार एग्जामिनर ने दे दिया था। बताऊंगा कैसे दिया था उन्होंने, किस तरह से पूछा था, पहले तो आप समझो जरा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, या एक एक करके करते हैं। आपके एक्सरसाइज का चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली एप्लीकेशन बेस्ड उसने टर्म्स दिए और आपसे पूछना चाहता है कि जब इसमें नंबर्स इन्वॉल्व होंगे तो वो एपी को फॉर्म करेंगे या नहीं। अब अच्छा एपी का तो आइडिया हो गया ना सब बच्चों को, एपी क्या होता है? हाँ भाई सब बच्चों को एपी तो समझ में आ गया। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया, टेंशन ना लो, अभी फॉर्मूला कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि हमें एपी का आइडिया हुआ या नहीं। अब ये देखो बेटे, आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमसे कह रहा था कि भाई चेक करके बताओ ये जो कंडीशन है, ये हम पहले क्वेश्चन भी लिखू, हम क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। हमसे क्या कह रहा है बेटे कि कुछ कंडीशंस गिवन है और आपसे कह रहा है जो नंबर्स जो फॉर्म होंगे क्या ये एपी होंगे या नहीं होंगे। ये हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड व्हाई। ये हमारे पास, तो सपोज करो हमारे पास ये सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है आप सब बच्चे जरा ध्यान से समझते जाइए। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर When the fare is 15 rupees for the first kilometer, ninth में आपने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा है। First kilometer के लिए तो आपको 15 rupees देने, ठीक है? और फिर आपसे क्या कह रहा है? Taxi fare after each kilometer, ठीक है? And 8 for each additional kilometer, 8 rupees फिर आपको हर बार add होना है। तो हर किलोमीटर के बाद का जो फेयर है क्या वो एपी फॉर्म करता है या नहीं, ये आपसे कह रहा है। तो हमारे पास पहले तो आ गया 15, उसके बाद में एडिशनल 8 रुपीस ऐड होने, तो अगर नेक्स्ट किलोमीटर जाओगे तो फेयर कितना बनेगा? तो 8 प्लस 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 8। फिर एक नेक्स्ट किलोमीटर जाओगे तो फिर प्लस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 31। फिर प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा? 39। अच्छी बात किया करो। अब अगर आप कभी भी सेम नंबर ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब डिफरेंस तो अपने आप ही सेम हो गया ना बेटे, नहीं से क्या मतलब, पहला वाला तो जज इतना हो हमें उससे कोई मतलब थोड़ा ही। तो आप अब हमसे क्या कहते, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। तो टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर कौन कौन से हैं? 15 है, 23 है, 31 है, 39 है। तो अब आप बताओ डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है सर। तो क्या हुआ? यस सर होगा। यस नहीं होगा, फॉर्म होगा। क्यों नहीं होगा बेटे, डिफरेंस कितने का आ रहा है, कहां से आपको लग रहा है नहीं होगा?
बताओ कहां आपको लग रहा है नहीं होगा बेटे, सब में 8 का गैप है ना, 23 माइनस 15 8, 31 माइनस 23 8, 39 माइनस 31 8, सर होगा। इसमें कुछ सोचना थोड़ा, ये तो सिंपल था। देखो अब ये वाला क्वेश्चन था और ये पूछा था उसने कि इसको प्रूव करो, ये 4 मार्क्स के लिए दिया था उसने। पहले तो इसको ऐसे ही समझ लेते हैं और फिर उसने कहा था कि प्रूव करो। ये क्वेश्चन, प्रूव दिस, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, ये आपसे कह रहा है। अब आप समझिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, हम इसको रफली ले लेते हैं। रफली कैसे लेते हैं? रफली ऐसे ले लेते हैं कि भाई हमारे पास सिलेंडर में एयर कितना है, तो सबसे इजी तो ये, एक तो ये तरीका है, हम एक्स मान लें, ए मान लें, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं सबसे इजी ये है कि आप 200 मान लें, 200 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब लिखने की भी जरूरत नहीं है। सपोज देयर इज 200 यूनिट एयर इन द स्टार्टिंग। अब आप क्या कह रहे हो, When a vacuum pump remove 1/4 of the air, तो आपने 1/4 air remove कर दी। 1/4 of 200 कितना होता है? 50 और 50 आपने कर दिया remove। तो अब आपके पास कितना बचा बेटे? 150 minus 50 150 150। शाबाश। अब आपसे क्या कह रहा है कि पंप जो है वो तो 1/4 ही रिमूव करेगा, अगेन आपने 1/4 रिमूव कर दिया। वन फिफ्टी का 1/4 कितना होता है? 37.5 होगा ना? यस सर। ठीक है, अब आप बताओ कितना रह जाएगा 150 में से 37.5 करेंगे तो 112.5। तो अब आप मुझे बस इतना सा बता दो, ज्यादा टर्म्स लेने की जरूरत नहीं। पहले वाले में गैप कितने का आया बेटा? 50। और दूसरे वाले में गैप कितने का आया बेटे? 25। तो क्या ये एपी है? एपी नहीं है। आप इससे भी इजी, तो ये पूछ रहा था कि प्रूव दिस, तो हम सपोज लेट द स्टार्टिंग एयर इज 200, फर्स्ट रिमूव 50, सेकंड रिमूव 37.5, तो टर्म्स विल बी दिस हियर। तो यहां लिख के दिखाना था, हियर 150 माइनस 200 इज नॉट इक्वल्स टू 112.5 माइनस 150, दीज आर नॉट इन ए। तो कभी कभी इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को दिखा सकते हैं। और भी इजी अगर आप करना चाहो डेसिमल की जगह भी, तो आप ये कर लो कि हम इस करते देना है x, हां x लेंगे तो सारा x में आएगा, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर 400 ले लें तो सबसे पहले आपका 100 रिमूव होगा, तो ये आपका 100 आ जाएगा, 300 बच जाएगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो ये आएगा 300 और 300 का आप 1/4 लोगे, कितना हो गया भाई? 75 जी सर। तो कितना बचेगा? तो पहले गैप कितना आया 100 का, और दूसरा गैप कितना आया 75। तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप इस तरह से भी सपोज कर सकते हो। तो खैर ये क्वेश्चन आए, तो ये तो खैर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस थे। अब आओ जरा चीज सीखो। आओ जी सर, अब आपको सिखाते हैं एपी है क्या।